है, उसकी कुछ खबरें और बाकी बची वो मैं आपको देने के लिए हाजिर हुआ हूँ। पहले आप देखें ये उर्दुगान की तस्वीर है, उसके बराबर में चार दरिंदे और हैं। ये यहूदी नहीं हैं, ये उज्बिक हैं। ये वो लोग हैं जो सीरिया के अंदर बहुत ज़बरदस्त तरीका उत्पात और मार काट मचा रखी है। पार्ट ऑफ द टेररिस्ट हु एडमिटेड कोड दैट दे वर ट्रेंड बाय द एर्दोगान इन टर्की, टर्की से ट्रेंड हुए हैं। आर दिस ग्रुप ताजिक हु मैस्केड 150 सिविलियंस इन मॉस्को, मॉस्को के अंदर जो मारकाट मचाई थी वो भी यही लोग थे। These are same training camps where Turkey together with Israel recruited and trained Islamic terrorist fanatics which they recruited in Tajikistan, Uzbekistan. इनका कहना यह कि ये जो ट्रेंड किए गए हैं ये इसराइल और टर्की के कंबाइंड एक ऐसे कैंप पे किए गए हैं जहाँ पर इसराइल का भी हाथ है। ये अखबार छापता है, मैं नहीं छाप रहा हूँ। और ये ज़्यादातर जो वो लोग हैं भूखे नंगे जो ये मार काट मचा रहे हैं, इसमें ज़्यादातर उज्बेकिस्तान के हैं और ताजिकिस्तान के हैं। ये लोग मॉस्को के अंदर भी, मॉस्को और सीरिया ये एक साथ हैं। और जो मिलिटेंट हैं उसके कांटेक्ट एर्दोगान और टर्की से बताए जा रहे हैं। इसके आगे लिखते हैं इन मोस्टली यंग इडियट्स विद आईक्यू लोअर देन रूम टेम्परेचर। आगे लिखते हैं कि द क्वेश्चन नाउ इज वेयर द जस्ट स्लिप्ड फ्रॉम एर्दोगान हैंड, जब ये एर्दोगान के हाथों से निकल कैसे गए, चूंकि अब एर्दोगान नहीं करा रहा है, वहां पर ये ग्रुप एक्टिवेट हो गए हैं। जैसे किसी जमाने में अलकायदा को अमेरिका यूज कर रहा था रूस के लिए, इसी तरह से ये एर्दोगान के माध्यम से ट्रेंड तो हुए लेकिन ये अब उसके हाथों से निकल गए और अब ये जाकर सीरिया में अमेरिका और इसराइल के पिट्ठू बने हुए हैं। और वहां पर यूक्रेनियन बाकायदा यूक्रेन के जो लोग हैं इसको ऑर्गेनाइज जो है वो ऑपरेट कर रहे हैं। पुतिन जानते हैं कि सडनली द स्टॉप टॉकिंग अबाउट दिस मैटर डिसाइड टू होस्ट एर्दोगान ब्रिक्स सब्मिट। ये ब्रिक्स सब्मिट में मिले थे, इनकी तस्वीरें भी देख लीजिए। वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ द एसटीएस, ये एसटीएस फाइटर्स कहलाते हैं, एंटर्ड वेस्टर्न अलेप्पो टुडे आर उज्बेक, ये उज्बेकिस्तान के हैं, अलेप्पो के अंदर ये आ चुके हैं। दोस्तों ये मैंने आपको खबर बताई है। द वीडियो शोज एसटीएस टेररिस्ट मेंबर प्लानिंग फॉर द ऑपरेशन इन खान अल असल, ये प्लान कर रहे हैं। वीडियो में देम आर स्पीकिंग उज्बिक, उज्बिक बोल रहे हैं। नॉट अ सिंगल सीरियन इन अ प्रेजेंट, सीरियन का कोई भी शब्द नहीं बोल रहे हैं, उज्बिक बोल रहे हैं। जाहिर सी बात है कि वही हाथों से निकले हुए लोग हैं जिनके बारे में मैंने पहले एपिसोड में आपको बताया। दूसरी खबर देखिए दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूं। मायादीन के कॉरेस्पॉन्डेंट ने बताया है कि आर्म टेररिस्ट ग्रुप अराइविंग इन सीरिया थ्रू क्रॉसिंग विद टर्की, टर्की से क्रॉस करके ये लोग आ गए। इनकी तस्वीर भी देख लीजिए। पिछले एपिसोड में मैंने बताया था कि इनके पास बैज लगे रहते हैं जिसमें आईएसआईएस के लोग भी हैं। टर्की एंड इसराइल हैव रिवाइव्ड आईएसआईएस इन सीरिया, आईएसआईएस पैचेस ऑन द टेररिस्ट हु अटैक्ड अलेप्पो। हलब में जो हमला किया है आपको मेरे हमारे एडिटर बहुत गौर से दिखाएंगे क्लोज करके, इसके बाजू में वो आईएसआईएस का वो भी लगा हुआ है, ये लोग हैं। वो तस्वीरें आ चुकी हैं, पूरी तस्वीर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अकेली तस्वीर ये है। मैसिव रशियन एयर अटैक्स अगेंस्ट इसराइली टर्किश बैग, रशिया की तरफ से सीरिया के अंदर भी ज़बरदस्त हमला हुआ है उन टेररिस्ट पर जो कि बताया जाता है कि ये टर्किश के बैग्ड हैं। ये बंदा कौन है? फॉर्मर सीनेटर कर्नल है रिचर्ड ब्लैक। यूनाइटेड स्टेट्स पेड द सैलरीज टू ऑफ एवरी सिंगल टेररिस्ट इन सीरिया, ये बोलता है ये रहे हैं कि जितने भी सीरिया में टेररिस्ट हैं उनको पे करता है अमेरिका। वी गेव देम देयर वेपन्स एंड ट्रक्स, ये ट्रक्स। और ये कौन बता रहा है? फॉर्मर सीनेटर कर्नल रिचर्ड ब्लैक है, हम नहीं बता रहे इसको, ये अमेरिका का ही बंदा बता रहा है। खबर देख लीजिए। असद की जो फोर्सेज हैं बशर अल असद की, वो सपोर्ट बाय रशियन एविएशन प्रिपेयरिंग फॉर द फुल स्केल ऑफेंसिव दैट विल लाइकली स्वालो इडलिब एज वेल, वो पूरी तैयारी में है रशिया के साथ। ये पूरे के पूरे रीजन को डिस्टर्ब करने का क्या मकसद है ये मैं आपको पहले एपिसोड में बता चुका, दोबारा बताऊंगा। इसराइली सेटलर जो हैं वो उन्होंने दोबारा कह दिया कि वो जो स्ट्रीट पर आ गए हैं अल-कुद्स में, और उन्होंने कहा सीज फायर जो गाज़ा के अंदर फ़ौरन कर देना चाहिए और 101 जो कैप्टिव्स हैं यरगमाली हैं उनको वापस होना चाहिए। हैरत की बात है, दुनिया कहाँ से कहाँ निकल गई, कितना मार काट कर दी। आज तक ये अपने यरगमाली नहीं पकड़ पाया, कितना कमज़ोर मुल्क कह सकते हैं आप इसराइल को। प्रोटेस्टर जो है उन्होंने टेम्प्रेरी ब्लॉक कर दिया एंट्रेंस इसराइली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू का घर, ऑफिस वगैरह सब। इसको जो उन्होंने कहा कि एक्सचेंज डील की जाए गाज़ा के साथ। ईरान के फॉरेन मिनिस्ट्री का बयान आया दोस्तों। इस्माइल बाघई हैं वार्न अगेंस्ट रिटर्न टेररिस्ट ग्रुप इन सीरिया, उन्होंने कहा कि यहाँ पर मत आइए, वार्न किया है। उन्होंने कहा अगर आप आएंगे तो ईरान आपको अच्छी तरीके से समझा देगा। इसराइल हैज़ वायलेटेड द सीज फायर मल्टीपल्स टाइम, इसराइल ने 24-48 घंटे हुए हैं लेकिन फिर भी बमबारी थोड़ी शुरू कर दी और वो लोगों को कहता है कि यहाँ मत आइए। इसके अलावा जो अल-मायादीन का कॉरेस्पॉन्डेंट है उसने बताया कि इसराइली ऑक्यूपेशन जो है उसने बमबारी की है, शेल्ड द टाउन ऑफ द खायम ऑन द थर्सडे वायलेटिंग द सीज फायर एग्रीमेंट। ये बाज नहीं आएगा। एक खबर देख लीजिए, टीवी की खबर है, इसराइल जो रिसीव कर रहा है वेपन एंड मिलिट्री इक्विपमेंट्स वाया तुर्की एंड सम इस्लामिक कंट्रीज। यो जिटोन मिलिट्री एनालिस्ट है ये येदियोत एहरोनोथ का, ये अखबार है, टीवी चैनल भी है। इसने बताया तुर्की के माध्यम से इसराइल तमाम के तमाम हथियार हासिल कर रहा है जो कि मिल रहे हैं उसे इस्लामी मुल्कों से और गैरों से। इसराइली एक्सपर्ट्स ने बताया कि ए मेंबर ऑफ द लिकुड, ये लिकुड पार्टी का मेंबर है, उसने कहा ये जो लड़ाई है नॉट है, ये ख़त्म नहीं हुई है। साइड दिस इज़ इन द स्टेट ऑफ द कंटेनमेंट इज़ नॉट हिजबुल्ला। उन्होंने कहा आर्मी जो है बहुत थकी हुई है, सोल्जर जो है कैन नॉट विद स्टैंड द प्रेशर ऑफ द सर्विस, वो नौकरी के प्रेशर में खड़े नहीं हो पा रहे हैं, आर नो लॉन्गर एबल टू एंड्योर इट, और उसको वो अब एंड्योर नहीं कर सकते। सीज फायर इज टेम्परेरी एंड 5 और 6 years विल हैव टू फाइट लेबनान अगेन, बट द डिफरेंस विल बी दैट हिजबुल्ला विल हैव 40,000 ड्रोन्स इन बालबेक। हिजबुल्ला की ताकत ज़बरदस्त है, नो डाउट इसराइल जैसी ना हो, लेकिन उसने अपनी ताकत से बता दिया इसराइल को कि तुझे करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ एनालिस्ट जो हैं डिफेंस के, वो ये बता रहे हैं कि ये लड़ाई सीज फायर हमेशा के लिए नहीं है, ये आगे रहेगा, हिजबुल्ला के पास ताकत बहुत है। बहरहाल दोस्तों, बड़ी खबर यह है कि हिजबुल्ला में थोड़ा क्या आराम हुआ, उसने गाज़ा के अंदर जुल्म सितम शुरू कर दिया है और सीरिया के अंदर एक नया मुहास पैदा हो गया है। वो दरअसल वो सप्लाई चैन को काटना चाहता है जो सीरिया के माध्यम से तमाम हिजबुल्ला और लेबनान के अंदर जो भी ग्रुप्स हैं, जो हमास में ग्रुप्स हैं, उनको जो मदद मिलती है ईरान के ज़रिए से, वो काटना चाहता है, क्योंकि ईरान जॉर्डन और मिस्र को पार करके थोड़ी ना कर देगा अब काम, वो इसी रास्ते से आता है। लेकिन बशर अल असद की बात यह है कि उसका पास कुछ भी रहा हो, फिलहाल उसको हटाने की कोशिश इसलिए की जा रही है कि ईरान की सप्लाई लाइन चैन काट दी जाए। इसमें कोई दोराय नहीं कि पहले जो रोल था बशर अल असद का, इसके फादर का, बहुत बेहतर नहीं था। लेकिन दोस्तों बात यह है कि तमाम लड़ाइयाँ यहीं होनी हैं, मिडिल ईस्ट के अंदर ही हंगामे मचने हैं। ये वजह ये लगती है कि बड़े बड़े मुल्क पहले तैयार होते हैं कि करना क्या है। इसराइल, अमेरिका, ये तमाम यूरोप और नेटो बैठता है और ये अंदाज़ा करता है कि किस प्रकार से ईरान हो, इस्लामिक जो मैं कह सकता हूँ कि रेसिस्टेंस हो, या जो भी मस्जिद अक्सा की या अपनी ज़मीन की लड़ाई लड़ रहे हैं उसको किस तरह से ख़त्म किया जाए, या इस्लाम के नाम पर जो मुल्क कुछ बने हैं या वो कुछ अपने इस्लाम के नाम पे तरद्दुद करते हैं, वो बाकायदा लड़ते हैं ईरान, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, या किसी हद में पहले टर्की को कहा जाता था, अब तो खैर छोड़ दीजिए, या किसी ज़माने में पाकिस्तान को कहा जाता था, या मैं आप कह लीजिए कि फ़िलहाल ये हमास और ये लेबनान, ये तमाम लोग मौजूद हैं, मिस्र का, जॉर्डन का, सऊदी मुल्कों का, इनका आपको तो तमाम चीज़ों का इनका रोल तो मालूम है। तो बाकायदा ये प्लानिंग के साथ हो रहा है कि सीरिया को किसी तरह से वहाँ से बशर अल असद को ख़त्म कर दिया जाए, उसकी सरकार को कमज़ोर कर दिया जाए। लेकिन अगर रशिया इसके अंदर इन्वॉल्व जिस तरह से हो रहा है, लड़ाई का रुख कहीं और भी जा सकता है। एर्दोगान को बहुत खुल के सामने आना चाहिए, टर्की को बहुत खुल के सामने आना चाहिए। ये जो मुनाफिकाना रवैया है, हथियार का पहुंचाना, इसराइल को मदद का पहुंचाना, इसको बंद करें और आकर के खड़ा हो एक स्टैंड पर, जो कि जैसा कि वो ज़बानी बातें करता है। आपको खबर अगर अच्छी लगती है, आपसे एक रिक्वेस्ट हमेशा करता हूं, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्वाइन का बटन ज़रूर दबाएं, कुछ लोग ज्वाइन मेंबर और बन जाएं, बहुत जल्दी बंद करने वाला हूं मैं ये, कुछ लोग इकट्ठे हो गए, कुछ लोगों की और ज़रूरत है जो लोग काम कर पाएँ आने वाले, चूँकि एक अकेला टीम के साथ काम होता है। आप लोगों की सलाहियतें अगर इस्तेमाल हो जाएंगी तो हो सकता है कल को हमें भी ये कहने का मौका मिल जाए कि हमने भी इस क्षेत्र में कुछ किया। मैं अपनी कौम के मुतालिक, इंसानियत के मुतालिक, दुनिया के अंदर संविधान के मुताबिक अपने भारत में रहते हुए वो काम करना चाहता हूँ कि कम से कम सलीका शऊर तो आ जाए, बोलने का सलीका हो, सोचने का सलीका हो, समझने का सलीका हो। वो मालूम है कब आता है, सोसाइटी से। कोई यूनिवर्सिटी नहीं बताती आपको, वहाँ तो जानवर बनाए जाते हैं। कोई कहे कि एजुकेशन पाने के बाद इंसान बन जाता, बिल्कुल गलत। हमारे असलाफ के जो सिद्धांत हैं, उनकी जो बातें हैं ना, उन पर अमल करने के बाद अंदर से रूह ताज़ा होती है, तब इंसान बनता है। ऐसा नहीं बनता है, वरना तमाम यूरोप पढ़ लिखने के बावजूद भी गंदगी खा रहा है। आप देख सकते हैं पढ़े लिखे मुसलमान जब किसी सोसाइटी में बाहर रहने लगते हैं तो बाज़ मरतबा उन इलाकों से नफरत होने लगती है जहाँ से वो पैदावार हैं। हालांकि मैं जानता हूँ वहाँ कुछ जहालत है, कुछ गंदगी है, लेकिन आप ही तो वहाँ से निकले हैं, आप ही का तो फ़र्ज़ बनता है उसको सफाई करना, आपको समझाना। अगर अल्लाह ने आपको सलाहियत दी है लेकिन आप नाक पे रुमाल रख के निकल जाते हैं, ये ठीक नहीं है। वो हमारे भाई हैं, परिवार का एक सदस्य अगर गलत हो जाता है तो उसे देश निकाला नहीं दिया जाता, पूरी कोशिशें की जाती हैं। अपने कौम के अंदर, अपने बस्तियों के अंदर, अपने इलाकों के अंदर हम किस प्रकार से चेंजेस ला सकते हैं इस्लामिक रूप से, उनकी पर्सनैलिटी को कैसे पॉलिश कर सकते हैं, इस बारे में ध्यान देना है। बहुत सारी जमातें ऐसा काम कर रही हैं, उनके साथ भी लगें। मेरा भी कोशिश यही है कि किसी प्रकार से प्लेटफॉर्म बन जाए। आपसे बार बार गुजारिश यही करता हूं मैं कि ज्वाइन का बटन दबाइए। 89 रुपीज़ नहीं चाहिए आपके, आपका साथ चाहिए, आपकी दुआएं चाहिए। घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे चाहिए। दुनिया के अलग अलग मुल्कों से जुड़ रहे हैं लोग, अलग अलग शहरों से जुड़ रहे हैं। जल्दी एक प्लेटफॉर्म तैयार हो जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा, उसके बाद पूरा प्लान बताया जाएगा कि क्या करने वाले हैं हम लोग। चूँकि मैं अकेला नहीं कर सकता, मेरी टीम छोटी है, आप लोगों का साथ चाहिए। ठीक है, इंशाल्लाह ज्वाइन का बटन दबाइए। बहुत से लोग कहते हैं गूगल पे वगैरह, मैं कमेंट्स बॉक्स में डाल देता हूँ, वो उससे मकसद नहीं है। मकसद है आपका नंबर, आपका पता, और आप हर मंथ 89 रुपीज़ देंगे। वो 89 रुपीज़ यकीन मानिए इसी संस्थान में लगेगा, इसके संस्थान के जुड़े लोगों की सैलरीज में लगेगा, एडिटर्स को लगेगा, स्प्रेडर्स को लगेगा। आप लोग निश्चिंत रहिएगा, यह आपका लंबा चौड़ा मामला नहीं है। बहुत से लोग मुझे कुवैत से, कतर से, सऊदीया से, पाकिस्तान, पता नहीं कहाँ कहाँ से कह रहे हैं। भाई लंबी चौड़ी रकम नहीं चाहिए, आपका साथ चाहिए। जब साथ आ जाएंगे तो आप पूरे मिल जाएंगे हमें। आप आइए तो सही, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ हाजिर होते हैं। जय हिंद।